The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, aadab, sat sri akal, dosto, kaise hain aap? Main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. Dosto, agar aapke chehre pe jhurriyan aa rahi hain, ghutnon mein dard hai, aap मिडिल एज पहुंच चुके हैं या इवन इफ आपने वैसे ही कई बार ये सोचा हो कि भाई जवान रह सकते हैं क्या या घुटनों में प्रॉब्लम अवॉइड कर सकते हैं क्या, और आपने कभी कोलेजन के बारे में वीडियोस देखे हो कि हाँ कोलेजन लेते हैं लोग, कोलेजन खाते हैं लोग, कोलेजन पेप्टाइड्स लेते हैं, तो आज आपको हम कोलेजन पेप्टाइड के बारे में बताएंगे. और इसको कंफ्यूज मत करिएगा, ये कोलेजन पेप्टाइड टाइप 1 और टाइप 2 कोलेजन जो होते हैं उससे अलग हैं, ये कोलेजन से अलग होते हैं. और इवन जो कह लीजिए जो जेलेटिन होता है उससे भी अलग होता है. तो ये कोलेजन पेप्टाइड है क्या, पहले थोड़ा समझ लो कि प्रोटीन के पेप्टाइड्स होते हैं, छोटे छोटे प्रोटीन के स्ट्रैंड्स को पेप्टाइड्स बोलते हैं, छोटे छोटे, राइट. और प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड है कि नहीं. सो पेप्टाइड्स मतलब छोटे 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 स्मॉल पीसेस ऑफ प्रोटीन्स को बोलेंगे पेप्टाइड, और ये कोलेजन का स्मॉल पीसेस है. अब कोलेजन क्या है, कोलेजन वो प्रोटीन है जिससे कि आपके बॉडी के जॉइंट्स हो गया, स्किन हो गया, बोन्स हो गया, वो बने हैं, ज्यादा उसमें इन्वॉल्व्ड है. सो इसीलिए कोलेजन पेप्टाइड्स, राइट. और इसी कोलेजन पेप्टाइड्स के एक असिमिलेशन से, एक झुंड से टाइप 1 कोलेजन बनता है, एक झुंड से टाइप 2 कोलेजन बनता है, और यही सारे कोलेजन पेप्टाइड्स जो है आपकी बॉडी में यूज होते हैं या यूज्ड हैं जहां पे बोन्स या कार्टिलेज या स्किन बनी है. इसीलिए ये सोचा जाता है कि जब इसे आप खाओगे, बाय द वे ये सारे जो होते हैं एनिमल ओरिजिन से निकाले जाते हैं कोलेजन पेप्टाइड्स, फिश से या एनिमल्स से. सो इनको अगर आप खाओगे कोलेजन पेप्टाइड्स को, तो इट इज पॉसिबल दे सीम टू बिल्ड अप इन योर स्किन एंड कार्टिलेज. सो स्किन को, कार्टिलेज को, इन जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं आपके जॉइंट की कंडीशन और आपके स्किन की कंडीशन. तो बिल्कुल ये पॉसिबल है, लेकिन इसके ऊपर जो रिसर्च है बहुत ज्यादा कंक्लूसिव नहीं है कि भाई ये खराब जॉइंट है जो डॉक्टरों ने बोल दिया कि इसको तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, वो अगर पेप्टाइड खाता है तो उसके जॉइंट ठीक हो, ऐसा नहीं, चमत्कार नहीं करेगा, ये कुछ डिफरेंस लाएगा, राइट. ये नहीं कि भाई आप कोलेजन खा रहे हो तो आपके स्किन में से झुर्रियां कभी आएंगे, ऐसा नहीं, राइट. इट विल टेक, मतलब उसमें कह लीजिए कि उसकी हीलिंग पावर पे, स्किन एजिंग है क्या, एजिंग इज बेसिकली आपकी जो बॉडी का नेचुरल रीजनरेटिव प्रोसेस है वो बंद हो जाता है. सो रीजनरेशन नहीं हो पा रहा है, वो बंद हो जा रहा है, इसलिए वो जो स्किन है वो खराब होती जा रही है, राइट. Or else, technically skin gets regenerated after every 28 days. So regenerate हो जाने पर पूरे body की skin तो वो नया हो जाती है, नहीं होती regenerate, इसलिए old होती जाती. So if you give raw material more, maybe it will get better in quality, in texture, in something. But yes, that is one factor. So इसी logic से कोलेजन पेप्टाइड्स को आपको बोन प्रॉब्लम, ब्रिटल नेल्स, किसी को मसल को स्ट्रेंथ करने के लिए, किसी को और हड्डियों में, जॉइंट्स में प्रॉब्लम के लिए, स्किन के लिए, एजिंग के लिए दिया जाता है, राइट. सो कितना इफेक्टिव है, अगेन नॉट वेरी इफेक्टिव. इट इज पॉसिबली गुड और वेरी पॉसिबली इफेक्टिव फॉर स्किन एजिंग, जो कि इट सीम्स टू इम्प्रूव, वन स्किन की हाइड्रेशन इंप्रूव करेगा, स्किन की इलास्टिसिटी इंप्रूव करेगा, ओल्ड एज में स्किन फटेगी नहीं, दैट इज अ गुड थिंग, रिंकल्स को कम करेगा, दैट इज अ गुड थिंग, बट नॉट द चमत्कार नहीं करेगा, राइट.
ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले लोग जो है हड्डियों में जिनको प्रॉब्लम है वो भी इसमें बेनिफिशियल देखा जाए, हड्डियों के पेन को स्लाइटली स्लाइटली कम करेगा और जॉइंट के फंक्शन को स्लाइटली बेटर करेगा। अब इसको कोई अगर अपने एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए बनाना चाहे तो ये कोई खास फर्क नहीं पड़ता है इसमें, राइट? लॉन्ग टर्म में कोई फर्क नहीं, हाँ, लेकिन एथलेटिक्स में अगर कोई यूज कर, उसमें वेयर एंड टेयर हो रहा है जॉइंट्स में, तब ये हीलिंग में हेल्प करेगा, राइट? इम्प्रूव नहीं करेगा बट हीलिंग में हेल्प करेगा। सेम वे अगर किसी को स्किन में प्रॉब्लम है, बर्न हो गया, एक्जिमा हो गया, ब्रिटल नेल्स हैं, सो इस ये ऐसे चीजों में हेल्प करेगा बट इट इज नॉट गोइंग टू बी एज अ ट्रीटमेंट, राइट? और इवन ये शुगर में भी देखा गया है, डायबिटिक पेशेंट की शुगर कम करता है, हाई ब्लड प्रेशर को थोड़ा कम करता है, कोलेजन पेप्टाइड जॉइंट पेन को कम करता है, मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ओबेसिटी के लिए थोड़ा हेल्पफुल। ऑब्वियसली जब आपके जॉइंट्स का फंक्शन बेटर होगा, जॉइंट्स थोड़े से पावरफुल होंगे, सो ओवरऑल आपकी एक्टिविटी लेवल बढ़ेगी, तो आपका शुगर कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, मसल्स की स्टिफनेस कम होगी, मसल दर्द कम होगी, तो एक्सरसाइज कर पाओगे। सो मेनी थिंग्स आर कोरिलेटेड हियर, राइट? सो ऐसी तरह से मसल स्प्रेन है, स्किन के रिंकल्स हैं, वूंड हीलिंग है, उसमें कोलेजन पेप्टाइड्स कैन हेल्प। And even if there are, you know, कह लीजिए प्रेशर सोर्स हैं, अगर बोन मास निकल गया है, ऑस्टियोपीनिया है, बहुत ज्यादा कमी है, तब भी इस प्रकार के कोलेजन फाइबर्स कैन हेल्प यू, राइट? सो कोलेजन इज हेल्पफुल एंड इट इज कंपेरेटिवली सेफ। अगर आप खाते हैं तो ऐसा कोई, अगर आप 10 ग्राम तक भी कोलेजन पेप्टाइड्स खा रहे हैं डेली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 5-5 महीने, 6-6 महीने, तो ऐसा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। साइड इफेक्ट्स आर रेयर, हर एक को किसी ना किसी चीज से पेट खराब हो सकता है, किसी ना किसी को कोई ना कोई चीज से एलर्जी हो सकती है, दैट इज अ डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग वाले केसेस में इसके बारे में कोई खास एविडेंस नहीं है और आप इसको सेफ रहो, इसको अवॉइड करो, राइट? वैसे बहरहाल अगर आप नॉनवेज खाते हैं, फिश विश खाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पेप्टाइड अच्छा खासा मिल जाता है उससे, वन थिंग इज दैट। उसके अलावा ऐसा कोई इसमें इंटरेक्शन नहीं है। नॉर्मली लोग इसको कैसे खाते हैं, एजिंग के लिए 2.5 से 10 ग्राम तक कोलेजन पेप्टाइड खाते हैं डेली, और वो खाते हैं कम से कम लाइक 2-3 महीनों के लिए, 3 महीने 4 महीने के लिए, फिर आपको रिजल्ट मिलता है। लंबे समय तक खाते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बना बना के इसके रखे हुए मार्केट में, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनी प्रोडक्ट राइट नाउ, बट यू कैन नो सी कोलेजन पेप्टाइड्स, कोलेजन फाइबर्स, राइट? टाइप 1 टाइप 2 कोलेजन के बारे में पहले बता चुका हूँ, उसके बारे में वीडियो आप जाके देख सकते हैं। हड्डियों के लिए, जॉइंट्स के लिए 10 ग्राम तक कोलेजन पेप्टाइड डेली लिया जाता है, जिसको एक बार में ले सकते हैं या 2 डिवाइडेड डोसेज मिलेगा, पेट खराब हो रहा है तो छोटा छोटा करके लो, आधा पर सुबह आधा शाम को, इस तरह ले सकते हैं, राइट? And you can take it with water after food. That is one of the best time, right? So that's all. So I hope you like the video. इसको और भी कई collagen hydrolyzed या hydrolyzed collagen के नाम से भी आप पा सकते हैं market में, right? So that is about collagen. Please share this video and ऐसे ही knowledgeable videos देखते रहने के लिए इस channel को जरूर subscribe करें, share का button दबाएं, अच्छे-अच्छे videos share किया करो, knowledge लिया करो। और तो कुछ है नहीं दुनिया में। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।